अब हम आपको क्रीच ड्रिल के बारे में बताएंगे। क्रीच सेना में ऑफिसर्स और जेसीओ का सम्मान है। क्रीच को किसी खास अवसर पर ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेरेमोनियल परेड, गार्ड ऑफ ऑनर, रीथ लेइंग सेरेमनी, दरबार इत्यादि। क्रीच को पहनने का तरीका। क्रीच को पहनने के लिए 1982 तक क्रॉस बेल्ट पहनी जाती थी, लेकिन उसके बाद क्रीच को सोल्ड कैरियर पर कमर में बाईं तरफ हैंग किया जाता है। निकाल क्रीच। क्रीच को स्केवल्ड से बाहर निकालने के लिए बाएं हाथ को पीछे करते हैं, दाहिने हाथ से क्रीच के ग्रिप को पकड़कर बाईं पॉकेट लाइन तक लाते हैं। यही समय अंतराल रखते हुए क्रीच के हिल्ट लिप्स को अपने लिप्स के साथ लगाते हैं और 2-3 का समय अंतराल रखते हुए क्रीच को दाहिने और सामने रखते हैं। नोट करें, निकाल क्रीच की पहली हरकत में स्क्वेवर्ड बाएं हाथ से कुछ पीछे करते हैं और दूसरी हरकत के बाद स्क्वेवर्ड वापस अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। नंबर 2 हरकत में क्रीच 90 डिग्री पर होना चाहिए और दाहिना बाजू बदन के साथ लॉक रहना चाहिए। नंबर 3 हरकत में क्रीच जिस्म के सामने और दाहिने 90 डिग्री के एंगल पर और दाहिना हाथ कोहनी से कलाई तक बेल्ट के समानांतर होना चाहिए। क्रीच के साथ विश्राम। तो खाली हाथ की तरह बाएं पांव को बाएं तरफ फेंके, साथ ही इसमें क्रीच की ब्लेड दाहिने कंधे में रखी है, बाकी दाहिने और बाएं हाथ की पोजीशन पूर्ववत ही है, पांवों का फैलाव खाली हाथ की तरह ही है। क्रीच के साथ आराम से। आमतौर पर सेरिमोनियल हालत में क्रीच के साथ आराम से तभी किया जाता है जबकि परेड को वीआईपी का इंतजार करना पड़ रहा हो या वीआईपी का भाषण या अन्य प्रदर्शन हो रहा हो। इसमें क्रीच का पॉइंट ऑफ सोल्ड बाएं बूट के टो की सिलाई के साथ रखा गया है और बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई को पकड़ा गया है। इसमें खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिल्ट सामने की तरफ होना चाहिए। वापस विश्राम पोजीशन में आने के लिए परेड या स्क्वाड के वर्ड ऑफ कमांड पर दोनों हाथ अपनी पूर्व पोजीशन में आ गए हैं। क्रीच के साथ सावधान। क्रीच के साथ सावधान हालत ठीक खाली हाथ सावधान की तरह है, लेकिन बाएं हाथ से स्केवल्ड को पकड़ा हुआ है और दाहिने हाथ की कोहनी कमर बेल्ट से लगी हुई है। दाहिना हाथ फोरआर्म जमीन के समानांतर है। क्रीच जिस्म के सामने और दाहिने तरफ 90 डिग्री के एंगल पर रहती है। नोट करें कि अगर पुराने इतिहास को देखा जाए तो सेनाओं का कमांडर सेनापति या सेना नायक हुआ करते थे। सेनापति का सम्मान राजा द्वारा दी गई तलवार हुआ करती थी, लेकिन सभ्यताओं और संस्कृति के विकास के साथ साथ आधुनिक काल में ट्रूप्स को कमांड करने वाले अधिकारी अपने उसी पौराणिक रिवाज को अब भी निभा रहे हैं। क्रीच के साथ खड़े खड़े और तेज चाल से सामने सल्यूट करना। बड़ी परेडों में खड़े खड़े क्रीच के साथ सामने सल्यूट सलामी शस्त्र के साथ किया जाता है, जबकि तेज चाल से सामने सल्यूट किसी परेड की रिपोर्ट देते समय किया जाता है। लेकिन अभ्यास के दौरान सल्यूट के वर्ड ऑफ कमांड पर क्रीच को किस क्रीच की हालत में ले जाते हैं और सही वक्फा रखते हुए क्रीच को शरीर के दाहिनी ओर आगे झुकाते हैं। ये झुकाव इतना होना चाहिए कि क्रीच का पॉइंट ऑफ सोल्ड जमीन से तकरीबन 9 से 12 इंच ऊपर रहे। बाजू शस्त्र के वर्ड ऑफ कमांड पर या सामने सल्यूट की अगली हरकत पर क्रीच को पुनः किस क्रीच की हालत में लगाते हैं और यही वक्फा या इंटरमिशन रखते हुए क्रीच को सामने क्रीच की हालत में लाते हैं। नोट करें, तेज चाल से सामने सल्यूट थम करने के बाद 2 बार क्रीच के साथ सल्यूट की कार्रवाई की जाती है, जबकि खड़े खड़े सिर्फ 1 बार सल्यूट किया जाता है। क्रीच के साथ तेज चाल से दाहिने सल्यूट
या दाहिने देख और सामने देख। बड़ी बड़ी सेरिमोनियल परेडों में सभी भाग लेने वाले ऑफिसर्स क्रीच के साथ मार्च पास्ट करते हैं और अपनी अपनी कंपनी के साथ दाहिने देख के वर्ड ऑफ कमांड पर दाहिने सल्यूट की कार्रवाई करते हैं। इस कार्रवाई की मुख्य बात यह है कि परेड या कंपनी को कमांड करने वाले अधिकारी कंपनी के साथ दाहिने देख और सामने देख की हरकत के साथ खुद अपनी गर्दन का तालमेल मिलाते हैं। दाहिने देख का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पांव पर मिलता है। इसी वर्ड ऑफ कमांड पर क्रीच किस क्रीच की हालत में की जाती है और दाहिने पांव को खाली जाने दिया जाता है और कंपनी की गर्दन बाएं पांव पर दाहिने जाती है और बाएं पांव पर गर्दन दाहिने और क्रीच को नीचे सल्यूट में ले जाते हैं। सामने देख का वर्ड ऑफ कमांड भी बाएं पांव पर मिलता है। दाहिने पांव को खाली जाने दिया जाता है और बाएं पांव के आगे लगते ही ट्रूप्स और क्रीच ऑफिसर्स की गर्दन और निगाह सामने और क्रीच किस हालत में आती है। क्रीच ऑफिसर पुनः दाहिने पांव को चेक देकर बाएं पांव पर क्रीच को सामने क्रीच की हालत में लाते हैं। नोट करें, ये कार्रवाई धीरे चाल में भी तेज चाल की तरह ही की जाएगी।